सांप एक ऐसे रिप्टाइल है जो दुनिया में हर जगह हर कोने में राज करते हैं। ये एक ऐसा जीव है जो अपने खतरनाक जहर की वजह से पूरी दुनिया में एक डर, एक खौफ पैदा करता है। इस खौफ से केवल दूसरे वन्य जीव भी नहीं तो इंसान भी कतराते हैं। इतने कॉमन होने के बावजूद भी हम इंसान इनके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, बल्कि भारत में सांपों के काटने के कारण हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। सांप इंसानों से डरते हैं, इसलिए जो भी मौतें होती है वो एक दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट ही होते हैं। भारत में 300 से ज़्यादा सांपों की प्रजातियाँ हैं और उनमें से बहुत कम प्रजातियाँ जहरीली है। ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मुझे लगता था कि ये रेप्टाइल्स यहाँ शहरों में नहीं तो बल्कि जंगल में होते हैं, पर ऐसा नहीं है। सांप कहीं पे भी हो सकते हैं और इनका सामना कभी भी हो सकता है, इसलिए इनके बारे में जानकारी रखना और सांप काटने के बाद तुरंत सही तकनीक से बचाव करने के तरीके जानना हमारा फर्ज है। तो चलो उनकी दुनिया जानकर हम अपनी, दूसरों की और इन खूबसूरत सांपों की जान बचाते हैं। सांपों को रेस्क्यू करना जोखिम से भरा होता है। दूसरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यूअर्स अपनी जान खतरे में डालते हैं। ये काम प्रेडिक्शन से नहीं तो अनप्रेडिक्टेबल घटनाओं से नापा जाता है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने अनजाने में ऐसा ही कुछ हुआ। फुल नहीं है, मतलब ये टोटली नॉन वेनमस सांप है, डायरेक्टली इसका हाथ डाल के पकड़ सकते हैं। मैंने बस एक उंगली से पकड़ के रखा उसको, यहाँ से नहीं, इधर ही इधर ही, बस हाथ पे मत मारना मेरे। दोपहर को ठीक 3 बजे हमें एक रेस्क्यू कॉल आया। ये एक नॉन वेनमस रैट स्नेक के लिए था, इसलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रिस्क तो कम थी पर भीड़ जमा थी, इसलिए सांप को जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू करके हमें एक सुरक्षित जगह पे उसको रिलीज भी करना था। उसी दिन रात को हम एक और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ गए। सांप कौन सा था इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, पर अगर ये जहरीला होगा तो खतरनाक था, क्योंकि इस बार सांप घर के आंगन में नहीं तो घर में घुसा था। सांप काटने के बाद वहाँ पे कपड़े से टाइट बांधना सबसे गलत बात होती है जो लोग अक्सर करते हैं। इससे पेशेंट का उस एरिया में ब्लड फ्लो रुक जा सकता है, इससे सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। दूसरी गलत चीज होती है जो लोग करते हैं, वो है सांप जिस जगह पे काटा है वहाँ पे ब्लेड या चाकू से कट मारना। और तीसरी सबसे गलत चीज होती है जख्म वाली जगह पे खून चूसना, जिससे दूसरे इंसान में भी जहर फैल सकता है। थोड़ा खींच रहा है अंदर, बहुत ताकत लग रही है। नहीं, इसके अंदर बहुत जगह कुछ नहीं, वो अंदर क्या, उसको होल है क्या? पूरा होल है, होल है, पूरा अंदर तक, पूरा अंदर तक होल है। मतलब अभी मेरे पास बस इतनी छोटी टेल बची है। ओके, इससे ऊपर कुछ नहीं मैं कर सकता। मतलब अगर मुझे नहीं खींचना भी है तो उसको पूरा हाथ डाल के अंदर से पकड़ना पड़ेगा। रितेश रैट स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा था। वो सांप रितेश को अंदर की तरफ खींच रहा था और इस वजह से आने वाले खतरे की भनक ना रितेश को थी ना वहां मौजूद किसी व्यक्ति को। छोटा इतना ही बचा है। रितेश ने पकड़ के रखा है पर वो एग्जैक्टली उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। रितेश के हाथ से वो रैट स्नेक छूट गया तो मे बी वो अंदर की तरफ चला जाएगा और फिर बाद में मिलना मुश्किल हो जाएगा। रैट स्नेक में बहुत ताकत होती है। रितेश के हाथ से छुटना कोई मामूली बात नहीं थी, पर अंदर से उसे भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो वही कुंडली मार के बैठा था। विशाल धीरे से सावधानी से मिट्टी निकाल रहा था ताकि हम बड़ी आसानी से उसे रेस्क्यू कर पाए, पर हमें क्या पता था कि अंदर रैट स्नेक के साथ साथ उसका एक जहरीला दोस्त भी बैठा है। कुछ नहीं होता है।
ऐसा देख दे, मैं इतना जोर से चिल्ला मेरा मुंह में खास मेरा छोड़ दे, मैं भाग गई। बराबर ऐसा लग रहा है कि इधर ये पहाड़ी के ऊपर घर भाग देना बहुत ऐसा बहुत पछताने लगी। मौत है, मौत के कुएं में खुद आते रहेंगे। बड़ा है, बड़ा था और ब्लैक कलर, कैसा कलर, कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट। ये था चॉकलेटी का था, ब्लैक फॉरेस्ट था, गहू का कलर था, गहू का गहू कलर मालूम ना उसके था। मेरा ही रोहत निकला है छुट्टी। सांप किसने देखा था? इसने देखा, जीजा ने, हम दोनों सोए थे। मैं उधर सोया था, वहाँ उधर सोया था, तो मेरा हाथ खींचे इसने पकड़ लिया, ऊपर उठाते लिए इसने। मैं मेरी जान तो निकल जाएगी, उसको निकलेगा तो मैं चिल्लाते जान निकाल दूंगी। महीने आऊंगी, मेरे हस्बैंड को लेते जाओ। अरे बच्चे लोग प्लीज तुम जाओ, मेरे घर के मत कर, पूरा भीड़ मत करो, नहीं तो वो और अंदर चला जाएगा। उधर है ना बहुत बड़े बड़े बिल है, ये देखो, ये देखो, ये बड़े बड़े बिल है, देखो ऐसा आने जाने का रास्ता है उनका। भैया भैया देखो देखो भैया, ये निशान, ये निशान दिखाए ना आपको। हम पूरे कंफ्यूज थे और शॉक भी थे कि ये जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सांपों का आना जाना एक नॉर्मल बात है, और यहाँ से गुजरने वाले बड़े सांप को सभी लोग भगवान का रूप मानते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जहरीला कोबरा है। वो भगवान का है बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। यहाँ से एक सांप हमेशा इसके पीछे से गुजरता है। अभी जो निशान था वो सांप का ही था, वो जो मिट्टी से गुजरता है, और अभी जो देखा है वो इस घर में आ चुका है। वो कौन सा सांप है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे कि ब्राउन है या ब्लैक है, कोबरा हो सकता है या रैट स्नेक भी हो सकता है। हमारा ये 7th रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें एक छोटे से बच्चे ने सांप देखा था। बच्चा हो या कोई बड़ा, मैंने सांप देखा है। इस बात को रेस्क्यूअर चाह कर भी टुकरा नहीं सकते, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो और स्नेक बाइट से मरने वाले लोगों की संख्या कम नहीं तो जीरो हो। तुम्हाला कुठे दिसला पण? माझा पण फोटो काढायचा व्हिडिओ, तुम्ही टीव्हीवर येणार आहे? मी कामावर आले बाळा। हो हो हो, कुठे दिसला, कुठे दिसला तुम्हाला? मला साईट दे, मी आले पाणी तो बच्चे ने देखा, उसको भी पता नहीं है। बच्चे ने जहाँ सांप देखा था वो एक दो घरों को जोड़ने वाला बड़ा पैसेज था, जिसके बीच में ढेर सारा सामान था, जहाँ मेंढक और रैट बड़ी आसानी से घूम रहे थे, यानी इस जगह पे सांप होना पॉसिबल था। सिर्फ बच्चे ने ही उसे देखा था, इसलिए सांप पहले ही आइडेंटिफाई होना बहुत मुश्किल था। जब सांप की आइडेंटिफिकेशन पता ना हो तो रेस्क्यूअर को और खतरा होता है, इसलिए रितेश और फिलिप बड़ी सावधानी से एक एक करके सामान चेक कर रहे थे। ये लास्ट ड्रम बता, इसके नीचे चेक करते हैं। मैं तो रखो, आप खींचो वो साइड में, देख बेटा खींचो वो वाला। तो रितेश के हाथ से वो छूट गई है, पर वो अंदर, रितेश ने अभी टॉर्च मार के देखा तो अंदर एक होल है, वहाँ पे वो बैठ गई है। इस गर्मी में विशाल पिछले आधे घंटे से मिट्टी निकाल रहा था, वो बहुत थक चुका था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में हम रैट स्नेक को रेस्क्यू करेंगे। पर सिचुएशन अचानक से चेंज हो गई जब हमने सामने ये देखा। अरे यार, इधर रसल वाइपर पर है। अभी अभी इसमें रसल वाइपर भी है, दो सांप इसमें। रैट स्नेक इधर है और वाइप ये किधर है? रसल वाइपर और अंदर है। तो ये रसल वाइपर का मुंह है एग्जैक्टली यहाँ जो दिख रहा है वो, और उसके साइड में यहाँ पे ये जो है ये रैट स्नेक है। तो साइड साइड में दो स्नेक बैठे है। रैट स्नेक को निकालने के लिए रितेश ने जहां अंदर हाथ डाला था वहां एक पहले से ही खतरनाक रसल वाइपर बैठा था। भारत में रसल वाइपर के काटने के कारण सबसे ज्यादा मौतें दर्ज है, यहां तक कि कोबरा से भी ज्यादा। उसमें वो डाल के ना डायरेक्टली बाहर, ये बाहर निकालो, ये मिट्टी बाहर निकालो। अब लोग सच में डर गए थे, सब अलर्ट हो गए। मौत सामने कुंडली मार के बैठी थी, और कुछ सेकंड पहले अनजाने में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। रसल वाइपर को पहले निकालेंगे और उसके बाद फिर रैट स्नेक को निकालेंगे। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टाइम, वेरी रिस्की टाइम। इधर
नहीं तो बस अब खा फिलहाल अभी जो लीड कर रहा है वो आशीष है और अपने टीपू भाई है दोनों इस ये रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं सांप कहीं भी हो सकता है यहाँ पे बहुत बर्तन है और बहुत किचन का सामान है तो वो निकाल के टीपू हर इसमें जाके देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो कन्फ्यूजन अभी तक है कि एग्जैक्टली सांप कौन सा है और कहाँ पे इधर छुपने के लिए बहुत सारी जगह है और पीछे इधर बहुत सारे गैप भी है अगर कोई अंदर आया किसी को काटा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते आशीष और टीपू इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे जिसमें उस लेडी के मुताबिक सांप किचन के बर्तनों के पीछे छुपा होगा ऐसा उनका मानना था ये ऑपरेशन के दौरान पब्लिक बहुत एक्साइटेड थी उनको हैंडल करना भी एक अलग टास्क था ऐसे परिस्थितियों में पब्लिक एक्साइटेड होना उनके खुद के जान के लिए खतरा बन सकता था और हम इस प्रकार के कोई भी हालात पैदा होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यूअर्स को ऑपरेशन में फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हालात काबू में रह सके किचन में मौजूद पूरे बर्तन और सामानों को चेक करने के बाद आशीष और टीपू ने वहां से एक अलमारी हटाई और उस अलमारी को हटाने के बाद पीछे मौजूद एक गैप में एक कोबरा बैठा था अंदर हाँ इसके नीचे इसके और इसके बीच में जो दरार है उसके दरार में ये इसके पीछे चेक किया क्या इसके पीछे चेक किया अभी लेकिन इसके पीछे तो कुछ नहीं है ये मुझे तो डाउट आ रहा है ये होल है यहाँ पे शायद इस होल के अंदर ही होगा या फिर अभी चेक करेंगे यहाँ पे ये तोड़ना पड़ेगा क्या शायद उनकी परमिशन मिली तो थोड़ा निकाल देंगे ओके ठीक है ठीक है इसके पीछे तो शायद यहाँ पे भी मूव कर सकता है वो ओके मैं सेफ हूँ ना इधर खतरा तो डेफिनेटली है खतरा किधर भी है क्योंकि मैं सिर्फ कैमरा में देख रहा हूँ और मैं बाकी किधर भी नहीं देख रहा हूँ कोबरा होगा तो नहीं है ऑपरेशन 7 को अभी तक एक घंटा बीत गया था और सांप का वहाँ कोई भी अता पता नहीं था उस पैसेज में बहुत सारे ड्रेनेज होल्स थे जहाँ से सांप हम यहाँ पहुँचने से पहले ही चला गया होगा अभी एक लास्ट जगह बची थी जहाँ एक पानी की टंकी थी और अगर ये वाटर स्नेक रहा तो इसके लिए ये जन्नत थी पर अगर कुछ भी नहीं मिला तो ये ऑपरेशन हम क्लोज करने वाले थे शायद हम पैक आउट कर सकते हैं यहाँ से आपको नहीं है यहाँ पे शायद इन्होंने ध्यान रखा नहीं है प्रॉपर या फिर कुछ सांप जैसा देखा होगा सांप ही देखा या दूसरा कुछ देखा पाइप नहीं देखा ना कब कितना पड़ा था इतना सांप देखा और भाग गए सांप काटने के बाद सबसे सुपरस्टिशन वाली चीज जो लोग करते हैं वो है किसी तांत्रिक या बाबा के पास उसे ले जाना और अभी भी लोग इसमें अंधविश्वास रखते हैं सांप के कारण कम तो इस गलत तरीके से बचाव की चीजें उपयोग में लाने से लोग ज्यादा मरते हैं इसलिए ऐसे तरीकों से दूर रहे और सही तरीके से इलाज करें अभी तो रसल वाइपर हमने रेस्क्यू कर लिया पर रैट स्नेक भी है अंदर तो और कुछ दूसरा सांप नहीं क्या ये हम कंफर्म कर रहे हैं मैं पीछे हुआ आराम से रसल वाइपर को रेस्क्यू करने के बाद सब लोग रिलैक्स थे क्योंकि उनके लिए ये एक स्नेक था जो कि एक नॉन वेनमस है पर हमारे लिए सभी सांप एक जैसे होता है हर सांप को सही तरीके से रेस्क्यू करना और रिलीज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है पहली बार मेरे लाइफ का रेस्क्यू करने जा रहा हूँ पक्का रैट स्नेक है ना कोबरा नहीं है ना
सुनना टीपू, अगर इधर इधर दरार है तो ये जो पतरा है उसके नीचे से वो निकल नहीं सकता ना, पूरा पूरा पैक है ना पीछे। एक काम करो ना, किसी को भी बोलो कि बाहर बाहर कोई तो भी ध्यान रखे कि बाहर से वो निकलने पर। हाँ, इसको फोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, इसको फोड़ना पड़ेगा ये, इसको कोबरा बार बार भागने की कोशिश कर रहा था पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसी हालत में जहां इतने लोग हैं, इसमें अगर कोबरा को भागने की जगह मिल जाती तो रेस्क्यू करने का पूरा प्रेशर आशीष और टीपू पे आने वाला था। इसलिए धैर्य से रेस्क्यू करना बहुत जिम्मेदारी का काम था। वो जो गैप है पतरे और जो फ्लोर है उसके बीच में, वहाँ वो कोबरा झुलसा हुआ है। मुंह हो रहा है क्या? मुंह हो रहा है तो वो अभी साइड साइड से सब निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम ये खोद के उसको बाहर निकालेंगे। जो भी पार्ट है वो निकाल लेंगे और उसे आराम से रेस्क्यू करेंगे। बैठा है एक्चुअली, वो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे दो कपड़े रखे उसके नीचे वो अंदर बैठा है। एशिया का सबसे हाईली वेनमस कॉमन क्रेट है ये, तो बेसिक रेस्क्यू करना एकदम डिफिकल्ट जाएगा। टिप भाई आप वहाँ पे खड़े रहो, ठीक है? वहाँ पे कोई होले के देखो, पहले दो पत्थर दो ना मेरे को। पीछे हट जाओ, ये हेड इसका यही पे शायद नाइट में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। दूसरी बात ये कि कोबरा और वाइपर की तरह ये हिसिंग साउंड क्रिएट नहीं करता, कोई भी वार्निंग साउंड नहीं देता। ये मूड स्विंगर है, ये कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी माइल्ड हो सकता है, कभी भी भागने के लिए रेडी हो सकता है। कॉमन क्रेट इंडिया का सबसे हाईली वेनमस स्नेक है, रसल वाइपर और कोबरा से भी ज्यादा। ये एक रात को निकलने वाला सांप है। इसका जहर डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जिसके कारण इंसान की नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देती है। भारत में रसल वाइपर के बाद ज्यादातर लोग क्रेट के काटने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो कोई आगे मत आना, कोई पीछे, अंकल थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हेड यहीं पे उसका, मुझे बस उसका हेड दिखना चाहिए। हेड बाहर आ गया। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, रुको रुको रुको, एक मिनट निकलने दो उसको, खुद बाहर निकल। नहीं, अगर अगर ये डस लेता है ना तो मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सांप ने काटा है करके, तो लोगों को लगता है कि मच्छर ने काटा, किसी कीड़े ने काटा, इग्नोर कर देते हैं। करना थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा इसको अंदर जाने दो, अंदर जाने के बाद थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएगा। तो सांप काटने के बाद कुछ बातें हैं जो आपकी जान बचा सकती हैं। पहली, घबराना या पैनिक नहीं होना। दूसरी, जिस सांप ने काटा है उसका हो सके तो फोटो या वीडियो आपके पास ले लो। तीसरी, जख्म को अच्छे पानी से धो लो। चौथी, कुछ टाइट पहनाओ जैसे कि अंगूठी या वॉच या शूज, उसे निकाल दो। पांचवी, जिस पार्ट में सांप ने काटा है उसे स्टेडी रखो। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुरंत पहुँचकर इलाज की शुरुआत करो।